रूपल बॉर्डर पे लड़ाई हो गई है, जल्दी से चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई है तू, वहाँ सैनिक कम है, जल्दी आ। नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। एक तरफ इंडियन आर्मी के जवान देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ क्रिंज यूट्यूबर्स उनका नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं। कैप्टन अब हमारे पास सारी गोलियां खत्म हो गई, अब हम क्या करें? और हमारे पास कोई दूसरा हथियार भी नहीं है। जब कोई हथियार नहीं थे तब हम हिंदुस्तानी फौजियों का दिमाग काम आया था। भाई की आवाज को सुनके ऐसा लग रहा है जैसे उसने गर्मी में बहुत सारा गोला बर्फ खा लिया हो, जिसकी वजह से उसकी आवाज ऐसी हो गई है। अभी भी एक हथियार है हमारे पास, ये बॉम्ब। लेकिन ये बॉम्ब तो सिर्फ एक ही है, ना जाने वो कितने लोग होंगे। सामने कितने भी दुश्मन हो, हम एक हिंदुस्तानी सब पे भारी। मैं अपने देश के लिए शहीद होऊंगा। देश के लिए सिर्फ आप शहीद नहीं होंगे, हम सब होंगे। जय हिंद। सामने से फायरिंग नहीं हो रही, लगता है ये फौजी भाग गए। भाई ये कौन सा आतंकवादी है जो इतना बिंदास बैठा हुआ है? भारत माता की जय। ये कैसा दिमाग है भाई, जहाँ पे बॉम्ब को फेंक के भी दुश्मनों को ढेर किया जा सकता था वहाँ पे भाई खुद ढेर होने चला गया। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो बगल वाले भाइयों को मरने की क्या जरूरत थी। तो भाई बात ऐसी है कि भारत से कुछ चूते जनता को इमोशनल भी तो करना है, वरना वीडियो वायरल कैसे होगी। बात तो सही है। अपने पास बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गई हैं, मेरे पास एक लास्ट फुल लोडेड पिस्तौल बची और एक बॉम्ब। भाई पता नहीं ये लोग इंडियन आर्मी को इतना गरीब क्यों दिखाते हैं। खैर कुछ भी हो, मुझे इनका वेपन बहुत पसंद आया। पर कुछ जलनखोर लोग बोलेंगे कि ये वेपन नहीं वीडियो स्टैंड है। मुझे दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा लग रही है, वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है हम लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे। हम जीतेंगे भी और जश्न भी मनाएंगे। भाई इतना हैवी वेपन लेके चलोगे तो हारने की तो संभावना ही पैदा नहीं होती। बस तैयार रहना। क्या बुजदिलों की तरह छुपकर गोली चला रहे हो? मैं अकेला फौजी बचाऊं। मर्द हो तो बाहर निकलो। अकेला फौजी बचाए, फायर। फतेह हासिल हो गई सरदार। मैं ना लौटा, ये हम जीत गए सर। सर 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 आपने बोला था जीत का जश्न हम साथ में मनाएंगे सर। जंग जीत कर तिरंगे को फहराना। भाई सलाम है इस क्रिंज यूट्यूबर्स की इंडियन आर्मी को जो इतनी गोली खाने के बाद भी मरता नहीं है। हाँ तो बच्चों बताओ हमारे देश के तिरंगे में कितने कलर होते हैं? बेटा तालू तुम बताओ कितने कलर होते हैं? सर हमारे तिरंगे में 5 कलर होते हैं। क्या 5 कलर होते हैं? इधर आओ, हाथ आगे करो अपना। तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, अभी रुको तुम्हारे चाचा को कॉल करता हूँ। हेलो मैं तालुक का टीचर बोल रहा हूँ, आप दिल्ली से कोचिंग आइए। भाई तुमने तो चाचा को लंगड़ा दिखा के वीडियो इतने इमोशनल कर दिया है ना कि अगर तुम आगे का वीडियो नहीं भी दिखाओगे तब भी जनता लाइक करके ही जाएगी। जी सर बोलिए। तुम्हारे भतीजे का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसको ये तक नहीं पता कि हमारे देश के तिरंगे में कितने कलर होते हैं। बेटा बताओ तिरंगे में कितने कलर होते हैं? चाचू 5 कलर होते। देखा आपने, इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सर जब मेरे पापा शहीद हुए थे तो तिरंगे में 5 कलर थे, केसरी, नीला, सफेद, हरा। और जब मेरे पापा शहीद हुए थे तो उस तिरंगे में एक कलर और भी था, लाल। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखना। तुमने चाचा के लंगड़ा होने के साथ साथ पिता को भी शहीद कर दिया, ये तो डबल इमोशनल है भाई। अब तो वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा, अब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 5 कलर होते हैं या 10। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है, इसमें मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार के धार्मिक या मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।